वेलकम बैक टू माय चैनल। माय किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी के करारे, क्रिस्पी, चटपटे कोफ्ते बनाने की आसान रेसिपी। लौकी को घिया भी बोलते हैं और कई जगह दूधी भी बोलते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक फ्रेश लौकी ली है और इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम आगे के पार्ट को निकाल देंगे। आगे और पीछे वाले पार्ट को अलग करके छीलर की मदद से छील लेना है। पहले हम लौकी को दो भागों में अलग करेंगे क्योंकि छीलने में आसानी रहती है। वैसे तो लौकी की बहुत सारी सब्जियां बनाई जाती है लेकिन अलग अलग तरीके से बनानी चाहिए। सिंपल सब्जी बच्चे बहुत कम खाते हैं, इसलिए हमें लौकी को अधिक टेस्टी बनाने के लिए पहले लौकी के कोफ्ते बनाएंगे और फिर सब्जी बनाएंगे। अगर लौकी के बीज बड़े हैं तो इस तरह से निकाल देना है। बीच बीच वाले पार्ट को, जो मैंने लौकी ली है वो बिल्कुल कच्ची है, मैं सिर्फ निकाल के दिखा रही हूँ आपको। और कद्दूकस लेंगे और जो मोटे वाला भाग है उससे हम कद्दूकस करेंगे, क्योंकि बीच वाले भाग से बहुत मुश्किल से कद्दूकस होता है तो मोटे वाले से ही करना है। और ये देखिए इस तरह से कर लेना है पूरी लौकी को कद्दूकस। और ये देखिए पूरी लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें बेसन वगैरह नहीं मिलाएंगे, पहले हम इसमें नमक मिलाएंगे एक चम्मच, क्योंकि लौकी में पानी बहुत ज़्यादा होता है। नमक डालने से घिया अपना सारा पानी छोड़ देगी और उसके बाद हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। नमक डालकर घिया को 10 मिनट छोड़ देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 7-8 लहसुन की कलियाँ, कुछ अदरक का पेस्ट, 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 3 छोटे साइज़ के प्याज। इन सबको, लहसुन और प्याज को इकट्ठा पीस लिया है और टमाटर की भी प्यूरी बना ली है। और ये देखिए लौकी ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे इस तरह से निचोड़ के, और इस पानी को भी नहीं फेंकेंगे क्योंकि पानी को हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ग्रेवी में नहीं डालना चाहते हैं तो आप इस पानी से आटा बना सकते हैं, क्योंकि इस पानी में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं तो इसको फेंकना नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर लौकी ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया है, और इस तरह से निचोड़ के हम पानी को साइड में रख लेंगे और आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। पानी निचोड़ने के बाद लौकी इस तरह की हो जाती है। अभी इसमें बहुत सारा पानी है। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो, और बेल को प्रेस करना ना भूलें। बेल को प्रेस करने से मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। और अब हम डालेंगे इसमें बेसन और कुछ मसाले। पहले तो हम इसमें 4 चम्मच बेसन मिलाएंगे। एक बार में ही ज़्यादा बेसन नहीं मिलाएंगे, नहीं तो बेसन का टेस्ट आएगा, लौकी का टेस्ट नहीं आएगा। और अब हम बेसन को लौकी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मॉइस्चर है वो लौकी सोख ले। और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च मिलाएंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अजवाइन को हाथ से मसल के मिलाएंगे। अजवाइन खाना पचाने का काम करती है और इससे एसिडिटी भी नहीं होती। और 2 चम्मच और हम बेसन की मिलाएंगे क्योंकि लौकी में पानी बहुत सारा होता है, और इसको हम अच्छे डो की शेप में लाने के लिए थोड़ा सा बेसन और मिलाया है और डो की शेप में ले आए हैं। ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है। अब हम स्वाद अनुसार मिलाएंगे नमक। नमक को हमने लास्ट में मिलाना है क्योंकि नमक डालने से फिर पानी छोड़ देगी लौकी और जो हमें कोफ्ते बनाने हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। और हाथ पर तेल लगाकर एक गोल शेप दे देनी है कोफ्ते को। अगर तेल नहीं लगाएंगे तो पेस्ट जो है हाथ पर चिपक जाएगा और अच्छा लड्डू नहीं बनेगा। इस तरह से हमने कोफ्ते की शेप दे देना है पूरे पेस्ट को।
और यहाँ पर मैंने पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है और सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो भी खाने में तेल पसंद करते हो उसी का इस्तेमाल करें। और एक एक करके कोफ्ते को डाल देंगे कढ़ाई में, जितने कढ़ाई में आ सकें उतने ही डालने हैं। और गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाने हैं क्योंकि हमने कोफ्ते को क्रिस्पी बनाना है। और अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो ऊपर ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे कोफ्ते, और नीचे वाली साइड से अच्छे से गोल्डन होने के बाद पलट देना है चम्मच की मदद से। और ये देखिए सुनहरा रंग हो गया है। अगर हम घिया को सिंपल तरीके से बनाएंगे तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते। एक बार लौकी को इस तरीके से बनाकर अपने परिवार को खिलाएं, बहुत टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी और सभी खाकर खुश हो जाते हैं, बच्चे भी खाना पसंद करते हैं। और आप इनको वैसे भी रूखा भी खा सकते हैं चाय के साथ, ये पकोड़े ही समझ लीजिए। और अगर सब्ज़ी बनाना चाहें तो सब्ज़ी बना सकते हैं, और वैसे भी इस तरह से कोफ्ते बनाकर आप अपने परिवार को खिला सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है और एक चम्मच जीरा डाला है, दो चुटकी हींग, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट। और यहाँ पर तेल बहुत गर्म था तो इसलिए छींटे लग रहे हैं। और साथ में डाल देंगे पिसा हुआ प्याज, और साथ में डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते, अगर कड़ी पत्ता है तो आप ज़रूर डालें, यह बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और अब प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद डालेंगे टमाटर की प्यूरी और इसको भी 2-3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। दो तीन मिनट पकाने के बाद डालेंगे फ्लेवर मसाले, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और कश्मीरी लाल मिर्च को डाला है कलर देने के लिए, इसमें तीखापन नहीं होता। अब हम ढककर 5 मिनट पकाएंगे। और ये देखिए 5 मिनट पकने के बाद साइड से तेल निकल आया है और टमाटर और मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब हम डालेंगे लौकी वाला पानी जो हमने लौकी निचोड़ के निकाला था, और ग्रेवी बना लेंगे। अब ग्रेवी को भी हम 5 मिनट ढककर पकाएंगे, इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा। और 5 मिनट पकने के बाद डालेंगे मलाई, यह फ्रेश मलाई है घर वाली। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बिना क्रीम और मलाई के भी बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है, अगर नहीं है तो आप कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम ग्रेवी को पतला रखेंगे, गाढ़ी ग्रेवी नहीं बनानी है क्योंकि हमने कोफ्ते भी मिलाने हैं और कोफ्ते ग्रेवी को सोखते हैं तो फिर ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और 5 मिनट ग्रेवी को पकाने के बाद ये देखिए अच्छी खासी पक गई है ग्रेवी। अब हम डालेंगे कोफ्ते और इनको सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे ढककर। ढककर 2-3 मिनट पकाएंगे। और अब डालेंगे हम 1 चम्मच कसूरी मेथी, और साथ में डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले को हम लास्ट में डालते हैं क्योंकि इसकी खुशबू बरकरार रहनी चाहिए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद 4-5 मिनट और ढककर पकाएंगे ताकि सभी मसाले कोफ्ते सोख ले। और ये देखिए अच्छा खासा उबाल आ गया है और कोफ्ते बनकर तैयार है। इस तरह की ग्रेवी रखनी है हमने क्योंकि ठंडा होने के बाद गाढ़ी ग्रेवी होगी है। और यहाँ पर लौकी कोफ्ता बनकर तैयार है, अब हम सर्व करेंगे और ऊपर से मलाई से गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो पनीर के साथ भी कर सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।